हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो गाइज़, आज का वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि गाइज़ मुझे टाइम एडिट करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि रैंक पुश करने में बिज़ी था। तो गाइज़ अभी मेरा रैंक चल रहा है 24,000 के लगभग, तो मैं आपको वो दिखा दूंगा अभी स्क्रीन पर। तो गाइज़ अभी मुझे लगभग लगभग 300 पॉइंट और चाहिए कॉन्करर करने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज हो जाए। तो गाइज़ इस बार मैं कोशिश करूँगा टॉप 100 मतलब सर्वर पर आने का, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइज़ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़ हमेशा की तरह हम लोग अपने हॉट ड्रॉप लोकेशन पे उतरते हैं जो कि है पोचिंग की, और उतरते के साथ मुझे मिलता है शॉटगन और पिस्टल। तो गाइज़ शॉटगन का हाल एकदम चाइना आइटम के जैसा है, अगर चला तो शाम तक नहीं तो शाम तक। अगर बंदे पे ये लग गया तो एक ही बार में नॉक हो जाए, अगर चुक गया तो गाइज़ आप नॉक हो जाओगे। तो चलिए चलते हैं अब अगले घर में, देखूँ कुछ अच्छा गन कोई सही गन मिल जाए मुझे। तो गाइज़ मुझे यहाँ AKM मिल गया है, अब मैं जाऊँगा थोड़ा किल करने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे सामने वाले कंपाउंड पर बंदे हैं, अरे बॉट। तो गाइज़ बॉट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मतलब आपको ये KD मेंटेन कराने में मदद करेगा, आपको लूट ला के देगा। एक तरह से बोलूँ तो गाइज़ बॉट के बिना BGMI अधूरा है। तो गाइज़ अभी मैं जाऊँगा सामने वाले स्क्वाड पर रश करने के लिए यहाँ। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे टीममेट के ऊपर एनिमी के बंदे रश कर रहे थे, तो एनिमी का एक बंदा वेब शूटर का यूज़ कर मेरे घर के छत पर आ जाता है। तो गाइज़ देखना भी मैं इसे क्या ही नॉक डालूँगा। तो गाइज़ मैं इधर इसे नॉक करता हूँ और उधर मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। मैं सोचता हूँ उसे कवर दे दूँ, पर गाइज़ इतना कम हेल्थ में मैं उसे नहीं बचा पाऊँगा, इसलिए मैं पहले हील करने लगता हूँ। पर गाइज़ मेरे हील लेते लेते वो लोग उसे फिनिश डाल देते हैं। देखो रिवाइव दे रहा है। अरे भाई पहले आगे पीछे देख लो कहाँ पे क्या है। चलो हो गया इसका काम। तो गाइज यहाँ पर उस स्क्वाड का लास्ट बंदा अपने टीममेट को शायद रिकॉल करने जा रहा होगा, शायद क्या वहीं जा रहा होगा रिकॉल करने के लिए। पर गाइज मैं उससे फिनिश डाल देता हूँ यहाँ से। गाइज़ कभी भी भागो तो ठीक से कवर उवर लेके भागा करो, देख लो ओपन में पिल गया बेचारा। तो गाइज़ जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे मुश्किल काम रैंक पुश के टाइम पर जोन प्रेडिक्ट करना और जोन होल्ड करना है। तो यहाँ पर सामने बंदे हैं जोन के अंदर, हम लोग थोड़ा एज पर हैं जोन के, और हम लोग का बग्गी का टायर भी फूट चुका है, तो हम लोग के पास अब गाड़ी भी नहीं है। तो गाइज़ अगर आपका जोन प्रिडिक्शन सही है, अगर ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है आपको रैंक पुशिंग के टाइम पे। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आप पहले जोन होल्ड कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है। जैसे कि अभी बंदे पे है एडवांटेज और मैं मार खा रहा हूँ उससे। बंदे लोग ऊपर हिल पर है हाई रिज पर और मैं थोड़ा डाउन रिज पर हूँ। तो गाइज़ किसी तरह वहाँ से मैं बच बचा कर वापस से जोन में आता हूँ। तो यहाँ पर 3v2 का सिचुएशन है, दो बंदे बचे हुए हैं और हम लोग तीन हैं। तो गाइज़ और वो दोनों काफ़ी बड़े वाले कैंपर हैं, देखना गाइज़ अभी कैसा फाइट होने वाला है। मेरा एक टीममेट नॉक फिनिश हो चुका है और मैं और गोस्ट बचे हैं बस। और गाइज़ वो लोग कहाँ हैं अभी तक हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। तभी गाइज़ गोस्ट एक बंदे को नॉक डालता है, तो मैं जाता हूँ थोड़ा सा आगे बढ़कर रश करने के लिए। गाइज अभी तक मुझे बंदा नहीं दिख रहा, देखना मैं बस ऐसे ही फायर करने लगूँगा। तो गाइज़ अब यहाँ पर 2v1 का सिचुएशन है और लास्ट बंदा कहाँ है अभी तक हम लोग को आइडिया नहीं है। तो गाइज़ देखना अभी गोश्त यहाँ पर नॉक होने वाला है, हो भी गया। तो गाइज़ अभी तक मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है, पर मैं सोचता हूँ अगर मैग आगे गया तो मैं भी नॉक हो जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर स्मोक करके पहले गोश्त को रिवाइव देता हूँ। गाइज़ अगर आप कॉन्करर लॉबी में खेल रहे हो, अगर आपका प्लस अगर आपको ज़्यादा प्लस लेना तो आपको विन निकालना ही होगा। अगर आपका 6 किल है, 5 किल है, 10 किल है, अगर आपका विन नहीं निकला तो आपको मात्र 5 मिनिमम 10 प्लस देगा 10 किल अगर आप करके सेकंड पोजीशन पे आओगे। तो विन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो इसलिए गाइज मैंने रश नहीं करा सामने वाले बंदे पर, पहले मैंने रिवाइव देना ज़रूरी समझा। तो गाइज़ देखो वो बंदा कितना कितना बड़ा कैंपर है, इधर उधर उधर उधर। गाइज़ उसके पास थोड़ा एडवांटेज है, उसके पास वो रिज के नीचे है तो कवर है उसके पास ज़्यादा अच्छा है, और मेरे पास बस ये ड्रॉप है। तो
गाइस आखिरकार गोश्त का हेल्थ फुल हो गया क्योंकि उसके वो बैंडेज मार रहा था, और यहाँ पर हम लोग रेस्ट करते हैं और ये बंदा नॉक फिनिश। तो गाइस ये मैच हम लोग निकाल लेते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।